गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। हमने मिड टर्म को समाप्त किया है, सबने बहुत अच्छे से एग्जाम दिए, घर पे रह के अच्छी सर पढ़ाई करी। इसी तरह हमें आगे भी अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है। जिस तरह हमने अब तक सारे लेसनों को अच्छे तक किया, मैं अपने अपने टीचर को सेंड किया, अभी भी आपको रोज अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करना है। हम आज सिक्स लेसन अमृत विंदा में के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट, अमृत विंदा में, अमृत वाणी, शुभ अच्छी वाणी के बारे में इसमें बताया गया है कि हमें कैसे कार्य करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए। अगर हमें इन श्लोकों के बारे में पता होगा तो हमें कई नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। तो ध्यान से देखिए, पृथ्वीयाम, पृथ्वी पर त्रीणी तीन रत्नानी रत्न है, जल मनम अनम सुभाषितम। सुभाषितम मैंने सुंदर भाषा। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न सुंदर वचन। देखिए, देखा जाए तो पृथ्वी पर विद्वानों ने कितने रत्न माने हैं? ओनली तीन, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक जल, एक अन्न और एक सुंदर वचन। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेशु, मूढ़े मैंने मूर्ख, पाषाण मैंने पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा प्रदीयते, रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। देखिए, रत्न किसे माना गया है? जो हम अंगूठियों में डालते हैं, मालाओं में पहनते हैं, उन्हें रत्न की संज्ञा दी गई है। लेकिन विद्वानों द्वारा पृथ्वी पर केवल तीन रत्न है, कौन से? एक तो जल, अन्न और एक सुंदर वचन। इसलिए हमें पत्थर के टुकड़ों को रत्न नहीं मानना चाहिए। जल और अन्न और सुंदर वचन, सबके साथ अच्छे व्यवहार को ही क्या मानना चाहिए? रत्न के समान मानना चाहिए। आगे देखिए, शुभम करोति जो शुभ करता है, कल्याणम जो कल्याण करता है, आरोग्यम जो आरोग्य रखता है, धन संपत्ति जो धन संपत्ति प्रदान करता है, शत्रु बुद्धि विनाशाय जो शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, दीप ज्योतिर्मो अस्तु ते, ऐसे दीपक को जो सभी जगह रोशनी को फैलाता है, नमस्त अस्तु ते, मैं उसे नमस्कार करता हूं। दोबारा देखिए, शुभ करोति जो शुभ करता है, कल्याणम जो कल्याण करता है, आरोग्य जो आरोग्य रखता है, धन संपत्ति रखता है, शत्रु बुद्धि विनाश है जो शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, दीपक ज्योति जो प्रकाशित करता है, रोशनी देता है, ऐसे दीपक ऐसे ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। विद्वत्व नृपत्व च नेव तुल्य कदाचन। विद्वत्व विद्वान, नृपत्व मैंने च और राजा, नेव तुल्य कभी भी समान नहीं होते। विद्वान और राजा कभी भी समान नहीं होते। स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि देखिए बच्चों, राजा तो केवल कहाँ पूजा जाता है? अपने देश में। जहां पर राजा होगा, प्रजा वहां की राजा की ही पूजा करेगी। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह ही पूजा होती है। इसलिए विद्वान और राजा को एक समान नहीं माना गया है, क्योंकि विद्वान केवल जो जहाँ का वो राजा है वहीं पूजा जाता है। लेकिन सॉरी, राजा जो है अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है वो सभी जगह पूजे जाते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। देखिए बच्चों, जो वृक्ष हैं, क्या वो अपने फल स्वयं खाते हैं? नहीं, वह फल किसे देते हैं? हमें देते हैं। हम उन्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी वो हमें इसके बदले में क्या देते हैं? फल देते हैं, परोपकार करते हैं। परोपकार का मतलब होता है दूसरों का भला करना। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। इसी तरह नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो भी क्या करती हैं? दूसरों के लिए ही जल देती हैं। परोपकाराय बहन की नद्य, और
जो नदी भी है वो परोपकार के लिए ही भंति मैंने बहती है। गाय भी अपना दूध स्वयं नहीं पीती, वो भी क्या करती है, दूसरों के लिए देती है। तो परोपकार आए दुहंती गाव, परोपकार के लिए गाय दूध देती है। इसी तरह इसमें बताया गया कि जो हमारा यह शरीर है वो भी क्या है, परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए है। परोपकाराय राय एदम शरीरम, यह शरीर भी परोपकार के लिए है। इसलिए हमें दूसरों का कभी भी बुरा ना करते हुए हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हंस श्वेत बका श्वेत, हंस भी सफेद रंग का होता है और बगुला भी सफेद है। का भेद है बंक बक हंसयो, क्या भेद है बगुले और हंस में? देखिए हंस भी सफेद रंग का होता है, बगुला भी सफेद रंग का होता है। इसमें कवि कह रहे हैं कि क्या भेद है हंस और बक में। नीर चीर विवेके तू हंसो हंस है बको बक है। नीर चीर, नीर मैंने जल, चीर मैंने दूध, दूध और पानी को अपने विवेक से हंस क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसलिए हंस हंस है और बगुला बगुला, यानी अपनी बुद्धि से क्या करता है हंस, अगर दूध में पानी डाल दिया जाए तो वह दूध और पानी को अलग कर देता है अपनी बुद्धि से। इसलिए हंस हंस है और बगुला बगुला है। इसमें ये बताया गया है कि एक विद्वान और एक मूर्ख में कैसे उनके भेद का, कैसे उसमें अंतर पता कर सकते हैं। विद्वान अपनी बुद्धि से पहचाना जाएगा और मूर्ख अपनी मूर्खता से पहचाना जाएगा। आगे देखिए, चंदन शीतलम लोके, चंदन जो है शीतल, संसार में शीतल कहलाता है। चंदनापी चंद्रमा, और चंदन से भी शीतल क्या होता है, चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा। चंद्र चंदनियों मध्य, चंद्र और चंदन के बीच मित्रता उससे भी शीतल होती है। शीतला साधु संगति, और इनकी संगति जो है क्या करती है, शीतलता देने वाली होती है। अर्थात अच्छे मित्रों का साथ हमेशा क्या प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। चंद, एक बार फिर से देखिए, चंदनम शीतलम लोके, चंदन को संसार में शीतल माना गया है, ठंडा माना गया है, ठंडक प्रदान करने वाला माना गया है। देखिए जहां पे भी जलन होती है अगर चंदन को घस के लगाया जाए तो वो क्या हो जाती है, वो जगह ठंडी हो जाती है। तो चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन को शीतल माना गया है, और चंदन से भी शीतल किसे माना गया है, चंद्रमा, क्योंकि चंदन तो क्या है, जिस स्थान पर लगाएंगे उसे ही शीतल करेगा, लेकिन चंद्रमा पूरे संसार को क्या कर देता है, शीतल कर देता है। इसी तरह लेकिन चंद्रमा और चंदन से भी शीतल क्या होती है, इनके मध्य जो मित्रता होती है वो होती है। चंदन चंद्रमा और चंदन से भी शीतल मित्रता को माना गया है। इसलिए साधु संगति मैंने अच्छे मित्र मित्रों का साथ हमेशा क्या प्रदान करता है, शीतलता प्रदान। हाँ जी देखिए, प्रदोषे दीपक है, प्रदोषे मैंने शाम के समय क्या है, दीपक प्रकाश है। चंद्रमा प्रभाते, रात्रि के समय चंद्रमा दीपक है। प्रभाते दीपक है रवि, और सुबह के समय क्या है, सूर्य दीपक है। सुबह के समय सूर्य दीपक है। त्रिलोक दीप है, तीनों लोकों में जो क्या है, धर्म दीपक है, दीपक के समान है, रोशनी के समान है। सुपुत्र अच्छा पुत्र जो अपने वंश का दीपक है। एक बार फिर से देखिए, संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, दीपक का मतलब है रोशनी है, प्रकाश है। संध्या काल में देखिए जब हम प्रकाश करते हैं किसका करते हैं, अब तो लाइटें हो गई हैं, पहले लाइटें नहीं थी बच्चे, जो दीपक जला के रोशनी की जाती थी। तो संध्या, प्रदोषे मैंने संध्या के समय दीपक कौन है, दीपक है। संध्या के समय चंद्रमा दीपक है। प्रभाते दीपक है रवि, और सुबह के समय रवि सूर्य दीपक के समान है। त्रिलोक दीपक है धर्म है,
तीनों लोक में धर्म दीपक है, सुपुत्र कुल दीपक है, और जो अच्छा पुत्र है वो अपने वंश का दीपक है। इसमें दीपक का मतलब रोशनी से है, अच्छे प्रकाश से है। जो संध्या के समय जो दीपक किसको माना है, चंद्रमा को माना है। सुबह के समय दीपक सूर्य को माना है। तीनों लोक में दीपक धर्म को माना है, और अच्छे कुल का दीपक अच्छे पुत्र को माना है। अब इसका एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं। सुभाषितम, अच्छे वचन, मूढ़ है, मूर्ख, पाषाण, पत्थर, खंड, टुकड़ा, संज्ञा, नाम, प्रदित्य दिया जाता है, कल्याणम, कल्याण, संपदा, संपत्ति, ज्योतिर्नो अस्ति, ज्योति को नमस्कार, ते तुम्हें, विद्वत्वम, विद्वान होना, निरपत्वम, राजा होना, नेव, निश्चय ही, तुल्य, समान, कदाचन, कभी, पूज्यते, पूजा जाता है, फल, फलना, दूध, दूध देना, बकह, बगुला, नीरम, पानी, क्षीरम, दूध, विवेकह, विवेक, प्रदोषह, संध्या समय, तेर लोक्यम, तीनों लोकों में। थैंक यू।